ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରଣାସୀର ରାସ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶିବପୁର ଫୁଲୱାରିଆ ଲୋହରତାର ରାସ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ନିକଟରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। 360 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଶିବପୁର ଫୁଲୱାରିଆ ଲୋହରତାରା ରାସ୍ତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଛି। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विमानबंदर पर्यंत यात्रा दूरता 50 मिनिट रु 45 मिनिट को कमी जाइए। आज वाराणसी में अनेक उन्नयनमूलक प्रकल्पर शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। जो मेरा सबका प्रयास वाला लक्ष्य है ना, ये सबका प्रयास वाला एक सफल प्रयोग है। आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा हर टूरिस्ट प्लेस पर क्या होता है, लोग पोस्ट कार्ड छापते हैं, आगे वहां की एक विशेष तस्वीर होती है और पीछे 2 लाइन लिखने की जगह होती है। मैं चाहता हूं कि जो फोटो कंपटीशन हुआ है उसमें जो टॉप बढ़िया चित्र, उसका एक वोटिंग हो जाए काशी में। लोग वोट करें और वोटिंग में सबसे अच्छे जो 10 चित्र हो उसको पोस्टकार्ड छाप करके टूरिस्टों को बेचने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। और हर वर्ष ये फोटो कंपटीशन होगी, हर वर्ष नए 10 फोटो आएंगे, लेकिन वोटिंग से होना चाहिए। काशी वालों ने वोट करना चाहिए कि इस फोटो को आगे लाओ। सारे फोटो जितने निकले हैं उस पर एक बार ऑनलाइन कंपटीशन हो जाए, कर सकते हैं। चलिए दूसरा काम, जैसे फोटोग्राफी हुई, कुछ लोगों ने तो मोबाइल से ही निकाल दिया होगा, कंपटीशन में भाग ले लिया होगा। अब एक हम कार्यक्रम करें कि जगह जगह पर लोग अपनी मर्जी से बैठे और एक कागज की साइज तय हो, उस पर स्केच से ड्राइंग करें, स्केच बनाएं और उसमें जो बेस्ट स्केचिंग हो उनके इनाम भी दिए जाएं और बाद में जो पोस्टकार्ड निकालेंगे उनके भी बेस्ट 10 पोस्टकार्ड निकालें, करेंगे। क्यों आवाज दब गई? हाँ। तीसरा काम, देखिए काशी अब करोड़ों के तादाद में लोग आते हैं। गाइड की बहुत जरूरत होती है। लोग चाहते हैं कि भाई हमें कोई समझाए, बताए। बड़ी मेहनत करके जो यात्री आता है उस पर काशी छा जाए, उसके दिल दिमाग से काशी न निकले, इसके लिए एक अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है। और इसलिए मैंने कहा है कि उत्तम से उत्तम गाइड की कंपटीशन हो, सब लोग आए गाइड बनकर के अपना परफॉर्म करें और उसमें से जो बेस्ट गाइड होंगे उनको इनाम दिया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। भविष्य में वो गाइड के रूप में रोजी रोटी भी कमा सकता है, एक नया क्षेत्र विकसित होगा। तो करेंगे? आप तो मना ही नहीं कर रहे हो यार। तो परीक्षा वरीक्षा देनी है कि नहीं देनी है? हैं? फिर आपके टीचर लोग कहेंगे एमपी ऐसा है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई के बजाय और ही काम करवाता है। देखिए हमारे भीतर जितनी स्किल डेवलप हो सकती है ये होनी चाहिए। प्रतिभा को विकसित होने के लिए हर अवसर देना चाहिए जी। परमात्मा ने हर एक को हर प्रकार की शक्ति दी है। कुछ लोग उसे संवारते हैं, कुछ लोग उसे ठंडे बक्से में डाल करके पड़ी रहने देते हैं। काशी तो संवरने वाला है। ब्रिज भी बनेंगे, रोड भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे, लेकिन मुझे तो यहां के जन जन को संवारना है, हर मन को संवारना है और एक सेवक बनकर के संवारना है, एक साथी बनकर संवारना है। उंगली पकड़ करके चलते चलते पहुंचना है, लक्ष्य को पाना है। और इसलिए मैं आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे मैं कार्यक्रम में लेट चल रहा हूं, लेकिन ये कार्यक्रम ऐसा है कि मेरा मन कर जाता है जरा ज्यादा समय आप लोगों के बीच बिताऊं। मैंने देखा है बहुत लोगों की इच्छा रहती है मेरे साथ फोटो निकालने की, लेकिन मेरी इच्छा है आपके साथ फोटो निकालने की। तो आप मेरी मदद करेंगे? देखिए, मदद तब होगी मैं जो कहूंगा उसका पालन करेंगे। तो मैं जब तक यहां से जाता नहीं हूं किसी को खड़े नहीं होना है, ठीक है? मैं यहां से पीछे आऊंगा और हर एक ब्लॉक में जाके खड़ा रहूंगा और कैमरा वाले सारे मंच पे आ जाएंगे, वो यहां से फोटो निकालेंगे, ठीक है? लेकिन ये फोटो तो मैं अपने संग ले जाऊंगा, आपका क्या होगा? क्या होगा आपका? इसका उपाय है, आपको बताएंगे। आप नमो ऐप पर जाएंगे, अपने मोबाइल पे नमो ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें एक फोटो का विभाग है, अपनी सेल्फी लेकर के उसमें डाल दीजिए खुद की, और एक बटन दबाएंगे तो मेरे साथ कहीं पर भी जितनी भी फोटो आपकी निकली है सब आपके पास एआई के द्वारा आ जाएगी। तो हमारे काशी में संस्कृत भी होगी और साइंस भी होगा। तो आप पक्का मेरी मदद करेंगे ना? बैठे रहेंगे ना? किसी को खड़े नहीं होना है, बैठे बैठे ही अपनी मुट्ठी ऊंची कर सकते हैं ताकि सबकी फोटो आएगी। और फोटो मेरे पास ऐसे कैमरा है जो मुस्कुराता है उसी की फोटो निकलती है। हर हर महादेव। तो मैं नीचे आ रहा हूं, ये लोग यहीं बैठेंगे, आप लोग वहीं बैठेंगे, कैमरा वाले ऊपर आ जाए सब।